तो गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हो आप लोग? सभी आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे। और सुबह का बज चुका है, 8:15 हो चुका है। और आज हम जाने वाले हैं पांडे जी के साथ। पांडे जी का एग्ज़ाम चल रहा है कॉलेज का। तो फिलहाल देखिए हमारे रूम में क्या चल रहा है। और देखिए इधर देख सकते हैं क्या चल रहा है। सुबह सुबह सूरज जी ने हम फोन सामने रख के पूरा गगन प्रताप जी का देख रहे हैं लेक्चर। देख सकते हैं पूरा स्टडी चलता है, इसीलिए तो हजारीबाग फेमस है। और देखिए इधर बंटी देखिए हंस रहा है। तो गाइस फाइनली अभी मैं जा रहा हूँ पांडे जी के घर और देखते हैं वो रेडी हुए हैं। पांडे जी अभी तक सोए हैं, देख सकते हैं गाइस आप लोग क्या मजाक बना के रखे हैं। आज एग्जाम है इनका और ये अभी सोए हैं। देखिए हमारे ये भी हुए हैं। अगर आप इसके तरह होंगे तो आप कृपया सुधर जाएं। देखिए यहाँ का ये लोग बंदा लोग नेट का तैयार देख देख हम लोग। देखिए कैसे ओढ़ के सो लिया। नहीं अगर आपको देखना है तो देखिए, कोई दिक्कत नहीं। आईटी का तैयारी करता है बंदा। नेट का तैयारी करता है, यूपीएससी का नीट का कर रहा। देखिए नीट का बंदा 8 बजे जग के उठ रहा। कितना बजे सोए थे जी? 2 बजे रात, 2 बजे तक मार से बच गया। देखिए क्या बोल रहा है। सुबह घर दे क्या कहना है आपका, क्या कहना है? एग्जाम नहीं दे क्या आप? गाइस आप ही लोग कमेंट करके बताइए क्या कहना है आप लोगों का। अगर ऐसे बच्चा लोग 9-9 बजे तक सोएगा तो कैसे निकलेगा नीट। गाइस हम लोग पहुँचने वाले हैं तरवा खरवा। और अभी देखिए पांडे जी बाइक चला रहे हैं और पीछे से हमारा फ्रेंड भी आ रहे हैं। देखिए समर जी देख सकते हैं आप। और ऑलमोस्ट हम लोग कॉलेज के पास पहुंच चुके हैं। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में और थोड़ा देर के बाद हम लोग दिखाएंगे आप लोग कैसा है यहाँ का आईसेक यूनिवर्सिटी, है ना। हाय बोलिए समर जी। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं आईसेक यूनिवर्सिटी और देख सकते हैं ये मेन गेट है। एंटर करते हैं हम इसके अंदर। तो गाइस फाइनली अभी हम पूछेंगे पांडे जी से कैसा गया इनका एग्जाम, बताइए। पूरा खत्म किया। क्यों क्या हुआ? पढ़ क्या है कुछ अरे क्या कुछ ना दी कुछ। ऐसा क्यों होता सर जी बताते नहीं है क्या क्या आने वाला है क्वेश्चन? पूरा बताया हमको कि क्या करना है क्या नहीं करना है किस तरीके से करना है, ठीक है। अच्छा लेकिन क्या होता ध्यान भी देना पड़ता है ना। अच्छा ध्यान भी देना। एग्जाम कैसे दीजिएगा? पढ़े नहीं है एक साल? नहीं सर एक साल तक अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं पूरा सिलेबस में। बहुत कुछ है। अच्छा फाइनली आप ये बताइए कितना मार्क्स का अटेम्प्ट किए हैं आप? 40। तो 30 पासिंग है, क्या पास हो जाइएगा आप? कहे नहीं होंगे जी हो जाइएगा। अरे 100% कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं आप? कॉन्फिडेंस के साथ लिख के आए तभी तो बोल रहे हैं। आगे कुछ होता ना। एक लास्ट सवाल आपसे है मेरा, अगर पास नहीं होते तो फिर क्या ऑप्शन है? इसे एग्जाम दूंगा। तो 6 महीना आपका वेस्ट हो जाएगा। बेरोजगार को 6 महीने या 1 साल से क्या फर्क पड़ता है? तो गाइज फाइनली पहुंच चुका हूं मैं अपना घर और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।